कोई मिला है जान पहचान में या कोई जो बोला कि आपका बेटा और बहू ये सब वीडियो सब बनाता है? हाँ, ऐसे बहुत लोग मिले हैं, लेकिन नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, ये रही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बातें होती है। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। जी जब भी हम माँ के साथ वीडियो डालते हैं, आप उस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देते हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट देते हैं। हमारे चैनल पर वह तीन वीडियो जिस पर सबसे ज्यादा व्यू आए हैं, उन तीनों में माँ थी। एक था तीज वाला और दो जितिया का पार्ट। और आप लोग माँ के बारे में कई तरह के सवाल भी पूछते रहते हैं कि कुछ बताइए उनके बारे में, तो सोचा कि चलिए आज क्यों ना उस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए। माँ उसे तैयार हो नहीं रही थी, लेकिन कर लिया कि चलो नहीं बैठो, बहुत लोग जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में, तो माँ किसी तरह तैयार हो गई है। तो आज माँ से बातचीत करते हैं। तब दीदी क्या कहना चाहेगी, सबसे पहली बात क्या रिएक्शन देना चाहेगी? तुम्हारी वीडियो पर सच में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सबका। बहुत धन्यवाद सबसे पहले जिन्होंने दिया, और हमारे बेटे को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं आकर के वो अप्रत्यक्ष से हमारे बेटा को बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हमें आशीर्वाद। हमसे छोटे ही होंगे सब, अगर बराबरी में होंगे तो उनको मैं नमस्कार करती हूँ। जितने छोटे हैं सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान करे वो हमेशा आगे बढ़े। अच्छा, तो अब जो है अपने बारे में कुछ बता दो, तुम्हारा एजुकेशन क्या है, कैसे पली भरी, ये सब एक जो बैकग्राउंड होता है। एजुकेशन हम ये ट्रेंड है, और प्राइमरी स्टेज मेरा गांव में ही पढ़ाई लिखाई हुआ। मेरे फादर एक किसान थे, हैं तो हम बहुत संपन्न परिवार की बेटी, लेकिन कोसी के मार में हम लोग का परिवार जो है थोड़ा बहुत बिलट गया, थोड़ा बहुत नहीं बहुत। बिल्कुल जी, कोसी का जो बाढ़ आया था किस साल में आया था? 1984 में जो बाढ़ आया था, तो माँ जैसा बताए थे कि पूरा खेत और अपना जमीन जितना था सब डूब गया था। तब सबको स्थिति बहुत प्रलय वाली थी, तो उस समय हम लोगों की शादी ब्याह और पढ़ाई लिखाई में मेरे फादर बहुत संघर्ष में रहे, लेकिन हम फिर भी मैं भगवान को और अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ तक आज तो मुझको पहुँचा दिए हैं, ऐसे उन्हीं का देन है। अच्छा, तो वो जैसा स्टेज आया उसमें भी नाना जी एकदम पूरा अड़े हुए थे कि नहीं पढ़ाना लिखाना तो है? हाँ जरूरी है, उस समय पढ़ाई लिखाई प्राइमरी स्टेज गांव में पढ़े, उसके बाद मैं हाई स्कूल पास किए, वहीं बगल में नौहट्टा मार्केट है, हम लोग का ब्लॉक है, उसके बाद भागलपुर सुंदरवती महिला कॉलेज से मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ आगे का, मधेपुरा ट्रेनिंग सेंटर से मेरा बीटी हुआ। अच्छा, जब पढ़ लिख करके जो बैठ गए तो यहाँ नौकरी की समस्या साथी सबको हो गई, तो बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन हमको अपने माँ पिताजी के कर्तव्य और भगवान पर अटूट आस्था का शक्ति था मेरे ऊपर, इसलिए मैं आगे बढ़ते गई और अपना जिंदगी को मैं किसी माता पिता या किसी पति को कोई डिमांड देकर बोझ नहीं बनाई, उसी का फल है ये। इसलिए हम अपने बच्चों से या समाज के जितने भी मेरे बच्चों के बराबर हैं सभी को मैं यही कहती हूँ, अच्छे कर्म करो, ईश्वर पर भरोसा रहो, हमेशा सफलता तुम्हारे सामने दस्तक देगी। अच्छा जी, माँ से मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा जो भी है, और माँ ने एक पूरा स्ट्रगल जो है सब कुछ आपके सामने शेयर कर दिया कि कितना स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँची है वो। चलिए माँ से जानते हैं इसके बारे में। आप लोग कई बार इंस्टाग्राम पर हम लाइव भी आते हैं ना, तो आप में से कई लोग पूछते हैं आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था जब उनको मालूम चला कि आप लोग वीडियो बनाते हैं। तो दीदी आज तो अपने से ही बता दो, जब तुमको पहली बार मालूम चला था कि हम लोग वीडियो सब बनाते हैं। जो वास्तव की बात है, मैं इसको पसंद नहीं करती थी पहले क्योंकि मुझे इसकी इतनी जानकारी भी नहीं थी, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचती थी, और मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ कि मेरा बेटा अभी पढ़ लिखा हमसे बहुत आगे जाए, लेकिन जब इस क्षेत्र के बारे में देखे और आप लोग का सहयोग देखे तब लगता है कि दुनिया का कोई भी रास्ता खराब नहीं है, खाली बच्चा उसमें मेहनत करे और आगे बढ़े। चलिए जी, माँ का यह रिस्पांस था सच में, उस टाइम हमें ध्यान है, माँ को कन्विंस करने में थोड़ा समय लग गया था क्योंकि बिल्कुल ही नया फील्ड है। आपके भी आस पड़ोस में देखते होंगे तो शायद ही कोई गिने चुने मिलेंगे जो इस फील्ड में इस तरह से आ रहे हैं, तो कन्विंस तो करना होगा जी, हम इस तरह से नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक ही बार में सब कुछ समझ जाए, तो समय देना पड़ेगा, थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। कई लोग कहते भी हैं कि हम भी वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह करके। एक बात हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि जब बहुत आगे बढ़ने के लिए संपूर्ण क्रांति तब परिवर्तन, यह दस्तूर है, और लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, इस पर अगर आप परवाह कीजिएगा तो शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अपना अच्छा कर्म, ईश्वर भक्ति, भरों का आशीर्वाद और लाश पर पैर रख के आगे बढ़िए। अच्छा, लोग के कहने से हमको ध्यान आया,
तुमको कोई मिला है जान पहचान में या कोई भी जो बोला कि आपका बेटा और बहू ये सब वीडियो सब बनाता है कुछ ऐसा करके? हाँ, ऐसे बहुत लोग मिले हैं, लेकिन हम अपने स्तर से उनको समझाए हैं। और समझना नहीं समझना उनकी ड्यूटी है, हम अपना क्या कर? हम दो ही बात सोचते हैं, ऐसा कोई काम ना हो कि भगवान की नज़र से गिर जाए, और ऐसा कोई काम ना हो कि परंपरा के विरुद्ध हो जाए, क्यों हम भारतवासी, इसलिए बस। बिल्कुल जी, और मम्मी पापा को हम जो है आज ही सुबह में हम जितिया का ब्लॉग दिखा रहे थे अपना। जब भी वीडियो को अपलोड करते हैं अपने चैनल पर या कुछ भी वीडियो बनाते हैं तो हमेशा इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जो वीडियो मेरे मम्मी पापा देख सके। अगर मेरी मम्मी पापा को उस वीडियो से कोई आपत्ति नहीं है तब मुझे लगता है कि हाँ अब यह वीडियो सही है। तो जी चलिए माँ से कुछ जानते हैं इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी। हमारी भी नई पारी की शुरुआत हुई है, एक साल हुआ है हमारी शादी का, माँ ने भी हमें इस ओर धकेल दिया है। असल में हम तो तैयार नहीं थे उस टाइम शादी करने के लिए, लेकिन माँ ही कही कि नहीं अभी कर लो। तो क्या रीज़न था जो हमको शादी के लिए बोल दिया अभी? शादी ब्याह का कोई रीज़न नहीं होता, विधि का विधान निश्चित है। अच्छा। इसको जहाँ और जैसे जिस दिन लिखा है, हम तो वही बात हर बात को अध्यात्म से जोड़ते हैं। हाँ। तो वही हुआ। अच्छा। हम चाहेंगे तभी हो जाएगा, कोई सही बात नहीं है। नहीं चाहेंगे तब नहीं होगा, ये भी कोई सही बात नहीं। अच्छा। इसलिए जो होना था हो गया। तब ये जहाँ तक शादी शुदा जिंदगी का, जो अच्छे परिवार से जिनका परवरिश हुआ है, तो हमेशा जो शादी हो गई उसको निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने वही किया। और आज तक हमको अपने पति से कोई शिकायत नहीं है, और मैं अपने कुल खानदान का नाम को लेकर के साथ जाऊंगी यहाँ पर, ताकि उंगली नहीं उठेगा कि मैं युवा अवस्था से आज 60 वर्ष की उम्र मेरा होने जा रहा है, मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा। तो माँ ने पूरा अपना जिंदगी जो है, एक तरह से नहीं कह सकते हैं, एक बेटी के तौर पर हम कह रहे हैं, मेरी माँ ने बिल्कुल एक जो समर्पित माँ होती है, बिल्कुल अपना समर्पण कर दिया। अपने जितना भी कुछ भी शौक था, जो भी एक लालसा होती है, सब त्याग दिया हमारे लिए, ताकि हम अच्छे से पढ़ लिख सके, हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। और माँ की बदौलत ही आज ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पर पहुँचे हुए हैं, ये मम्मी पापा का ही हाथ था जो आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। एक बेटा का तो बदल गया रास्ता, अब एक बेटा है जो मेरा लॉ ग्रेजुएट है, तो उसको पढ़ाई चल रही है। देखिए भगवान क्या करते हैं, दोनों का रास्ता अलग है, भगवान किस मुकाम पर रोकेंगे, सब लोग वक्त का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, माँ ने सोचा था कि हम इंजीनियरिंग का पढ़ाई करें, और भाई के बारे में सोची थी कि वो मेडिकल का पढ़ाई करे, लेकिन नहीं कहते हैं रास्ता दोनों का अलग हो गया। रास्ता दोनों का अलग हो गया। हमारा जो फील्ड है वह हो गया डिजिटल मार्केटिंग के साइड, और मेरे जो भाई का फील्ड है वो लॉ के साइड हो गया। तो देखिए जी, हम तो अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक पहुँचे हैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है कि हमें और भी आगे जाना है। बात है कि जी जिस दिन भी हम संतुष्ट हो जाएंगे कि यह आखिरी स्टेज है, तो वहीं से तरक्की का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि हम अच्छी जगह पर पहुँच चुके हैं या यही सबसे अच्छा जगह है। भगवान की कृपा से अच्छा खासा घर चल रहा है, अपना परिवार चला पा रहे हैं। आप लोग सैलरी भी पूछते हैं ना, तो जी सैलरी हम नहीं बता सकते, बस इतना समझ जाइए कि भगवान की कृपा से हमें सब कुछ अच्छे से मिल रहा है और अच्छे से हमारा घर परिवार चल रहा है। तो जी बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो। माँ के साथ आप लोग डिमांड कर रहे थे कि माँ के साथ कुछ वीडियो बनाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए आज हमने यह वीडियो बनाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक करने से हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। और थोड़ा कमेंट करके भी बताइए कि माँ की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, चलते हैं, बाय।